हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पाँच मिनट में बनने वाला हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम दो ब्रेड लेंगे तो आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है वो ब्रेड लें उसके किनारों को मैं कट कर दे रही हूँ तो इस तरह से हम कट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें बटर लगाएँगे तो आप नॉर्मल बटर भी लगा सकते हैं नहीं तो जो गार्लिक वाला बटर होता है आप उसको भी लगा सकते हैं तो अच्छे से बटर को इस पर लगा दें इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सैंडविच में साथ में हम हरी तीखी चटनी लगाएंगे इसको इसके ऊपर तो दोनों साइड पे मैंने तीखी वाली चटनी अच्छे से लगा दिया है क्योंकि हम इसमें ज्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करते तो हरी चटनी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा हरी चटनी का यूज़ कर सकते जैसे आप घर पे बनाते हैं वो भी हरी चटनी चल जाएगी इसके ऊपर इसके बाद मैंने यहाँ पे आलू का मसाला या डाला है तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है मैंने इसे इस पर फैला दिया है इसके ऊपर हम थोड़े से ककड़ी खीरा जो भी आपके पास है वो डाल दें प्याज़ डाल दें टमाटर डाल दें बीटरूट इसमें खा सकते हैं बहुत हेल्दी होता है बीटरूट तो वो भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं कैप्सिकम डाल सकते हैं साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे जिससे कि जो सब्जियों में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए इसके लिए तो यहाँ पे हम इसके ऊपर डाल देंगे उसके बाद मैं वर्ल्ड पोटैटो डाल रही हूँ तो आप मसाला वाला आलू यूज़ ना करें तो वो भी चल जाएगा आप सिर्फ उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं इसके बाद हम दूसरे साइड के जो ब्रेड है उससे इसको कवर कर देंगे और इसको कट करके सर्व करेंगे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं नहीं तो फिर आप हल्का बटर लगा के ग्रिल करके खा सकते हैं ग्रिल वाला भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन आज मैं इसे सिंपल तरीके से ही सर्व कर रही हूँ आप इसे इसी तरीके से खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिस से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले